अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ ये हम अपनी साइट पे वॉल जो है ना, बाहर की बाउंड्री वॉल है उस पर हमने ये डिज़ाइनिंग की है। इस पर हमने वुडन टाइल लगाई है और इसके बारे में आज आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो इसी तरह मैं आपको रोज़ नई से नई वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कि आपको आपके इल्म में हो कि एम बिल्डर कैसा काम करते हैं। ये अब हमारी जो बाहर बाउंड्री वॉल है, ये गली की बाउंड्री वॉल है, इस पर हमने ये डिज़ाइनिंग की है। ये वुडन टाइल जो लगाई है ना, इसको हमने तीन इंच की ये मोटाई है और इसको जो ये टाइल का जो साइज़ है ना वो 32 और 4.5 फुट का ये साइज़ है, 4x32 का ये साइज़ है। उसको हमने ये काट के तो ये पट्टियों में ये डिज़ाइन बनाया और इसके अंदर जो आप खाली जगह देख रहे हैं इसमें आर्टिफिशियल घास लगेगा। तो इसी तरह मैंने आपको दिखाने का मकसद होता है कि आपके इलम में हो के एम बिल्डर कैसा काम करते हैं। ये इसके नीचे ये आप क्यारी देख रहे हैं, इसके अंदर अभी मिट्टी हमने डालनी और इसके आगे प्लांटर्स पौधे लग जाएंगे। और ये अब नेक्स्ट जो वाल है, ये नेक्स्ट डिज़ाइन आपको दिखा रहा हूँ, ये नेक्स्ट डिज़ाइन है। इसमें हमने ये भी पट्टियाँ 3-3 इंच की काट के लगाई हैं और इसके अंदर ये सारा ये आर्टिफिशियल घास लगेगा। और उसके ऊपर जो ये वाल आपको नज़र आ रही है, ये सारी जो डार्क कलर होगा ना, जो हमारे फ्रंट में डार्क और लाइट का कम्बिनेशन होगा उसके साथ हम इसको टच देंगे। और नीचे ये सारे पौधे लग के ये बड़ी एक आउट लुक नज़र आती है जब आपकी ये विंडो, कमरे की विंडो है इसके सामने। और ये कमरे से विंडो से आपको जब कर्टन आप पीछे करेंगे तो एक अच्छा व्यू नज़र आएगा। तो ये हम सारी विंडो के बाई जो है ना गली और सेन में, तो ये हम डिज़ाइनिंग करते हैं। और किसी भाई ने ऐसी डिज़ाइनिंग करवानी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इसके अंदर ये आर्टिफिशियल घास लगेगा, ये जो खाली जगह, ये हमारी जो फ्रंट की है लॉन, जो पोर्च के साथ लॉन बना है फ्रंट में, ये उसमें वॉल में ये डिज़ाइनिंग की है। और ये देखें कैसी एक अच्छी लुक दे रही है। अभी ये घास नहीं लगा, तो जब इसमें घास लगेगा तो ये आउट क्लास लुक देगी। ये ऊपर हमारा ओपन एरिया है फर्स्ट फ्लोर पे, ये वहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया है। तो इस डिज़ाइन में भी ये बीच में जो आप खाली जगह देख रहे हैं इसके अंदर घास लगेगा। तो ये वुडन टाइल, ये हमने पूरे साइज़ की टाइल लगाई है। इस साइज़ का ये जो टाइल का साइज़ है ये 4x32 की ये साइज़ टाइल का साइज़ है और इसके अंदर ये सारा घास लगेगा। और ये ओपन एरिया है और इसके ये जो ऊपर सारा ये पेंट होगा, ये साइडों पे भी ये स्टिको पेंट होगा। और इसमें ये सामने आप देख रहे हैं, ये देखें ये कैसी ये डिज़ाइनिंग हुई है। और इसके सामने हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये दो निशेस बनाई हैं, इसके नीचे ये क्यारी बनाई, इसमें पौधे से लगेंगे। तो आपने ऐसा काम करवाना हो जहाँ ऐसे काम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा पोर्च एरिया है, पोर्च एरिया में भी हमने ये देखें अंदर भाई ये 2-3 इंच की ये टाइल लगाई है। इसके अंदर ये जो खाली जगह नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये आर्टिफिशियल घास लगेगा और इसके नीचे ये सारा ये मार्बल लगेगा इसकी टॉप पे, नीचे ये क्यारियों की और नीचे ये टाइल लगाई है। और इसके अंदर ये प्लांटर्स लगेंगे, ये पिलर्स हैं फ्रंट के, ये पिलर्स में भी हमने ये टाइल लगाई है, ये 2x4 की ये टाइल लगाई है इसमें। और ये इसमें पट्टी भी है ब्लैक की। तो आपको ये दिखाने का मकसद होता है और आपने में ऐसा काम कराना हो, इसके बाद आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। इसके बाद मुझे आप दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियो को पूरा देखें। अल्लाह हाफिज़।